पाकिस्तान और भारत से जुड़े सभी विशिष्ट अतिथिगण, नमस्कार। सभी भारतीयों की तरह मेरे मन में भी भूटान के लिए विशेष प्यार और मित्रता है और इसलिए जब भी आपसे मिलता हूं एक खास अपनेपन की अनुभूति होती है। भारत और भूटान के विशिष्ट संबंध, हमारी विशेष मित्रता न सिर्फ दोनों राष्ट्रों के लिए अमूल्य है बल्कि विश्व के लिए एक बेजोड़ उदाहरण भी है। पिछले वर्ष मेरी भूटान यात्रा अनेक स्मृतियों से भरी पड़ी है। एक प्रकार से एक एक मिनट कोई न कोई नई घटना, नया उमंग, नया उत्साह, वो यात्रा अपने आप में बहुत ही यादगार थी। हमने अपने सहयोग में डिजिटल, अंतरिक्ष और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे नए क्षेत्रों को शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण पहल की। 21वीं सदी में दोनों देशों के बीच और विशेषकर हमारी युवा पीढ़ी के लिए ये कनेक्टिविटी के एक प्रकार से नए सूत्र हो। मेरी भूटान यात्रा के दौरान हमने दोनों देशों के बीच रुपे कार्ड परियोजना के पहले चरण की शुरुआत करी। इससे भारतीय नागरिकों को भारतीय बैंकों द्वारा जारी किए गए कार्ड से भूटान में भुगतान करने की सुविधा मिली। मुझे ये जानकर खुशी है कि भूटान में अब तक 11,000 सफल रुपए ट्रांजैक्शन हो चुके हैं। अब अगर कोविड-19 महामारी न होती तो ये आंकड़ा अवश्य ही इससे भी बहुत अधिक होता है। आज हम इस महत्वाकांक्षी परियोजना का दूसरा चरण शुरू कर रहे हैं और इसके साथ हम रुपे नेटवर्क में भूटान का एक फुल पार्टनर के तौर पर स्वागत करते हैं। इस उपलब्धि के लिए जिन भूटानी और भारतीय अधिकारियों ने परिश्रम किया है मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं। आज के बाद भूटान नेशनल बैंक द्वारा जारी किए गए रुपे कार्ड के कार्ड धारक भारत में 1 लाख से अधिक एटीएम और 20 लाख से अधिक पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल की सुविधा उपयोग कर पाएंगे। मुझे विश्वास है कि इससे भूटान के यात्रियों को भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, तीर्थ यात्रा या फिर पर्यटन में बहुत सहूलियत रहेगी। इससे भूटान में डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। पिछले कुछ वर्षों में भारत में डिजिटल ट्रांजैक्शन में बढ़ोतरी से करोड़ों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। एक्सलेंसी, फ्रेंड्स, स्पेस सेक्टर हमारे बीच कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक दूसरा क्षेत्र है। भारत ने स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग सदैव विकास के उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया है। भारत और भूटान इस उद्देश्य को साझा करते हैं। पिछले वर्ष मैंने
भूटान में साउथ एशिया सैटेलाइट के उपयोग के लिए ग्राउंड अर्थ स्टेशन का उद्घाटन किया था। मुझे खुशी है कि इस स्टेशन की मदद से भूटान ब्रॉडकास्टिंग और डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए साउथ एशिया सैटेलाइट का और प्रभावी उपयोग कर पा रहा है। कल हमने पीसफुल यूजेस ऑफ आउटर स्पेस में सहयोग बढ़ाने के उद्देश्य से एक फ्रेमवर्क दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इससे दोनों देशों की विभिन्न संस्थाओं के बीच सहयोग का मार्ग प्रशस्त होगा। भारत ने हाल ही में अपने अंतरिक्ष क्षेत्र को प्राइवेट एंटरप्राइज के लिए खोला है, बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। इससे कैपेसिटी, इनोवेशन और स्किल्स को बढ़ावा मिलेगा। मुझे इस बात की विशेष खुशी है कि अगले साल इसरो द्वारा भूटान की सैटेलाइट को अंतरिक्ष भेजने के लिए काम तेजी से चल रहा है। इसके लिए भूटान के 4 होनहार युवा स्पेस इंजीनियर दिसंबर में इसरो जाएंगे। मैं इन 4 नौजवानों को अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं। मैं जानता हूं कि हिज मैजेस्टी भूटान नरेश अपने देश के विकास में स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग बढ़ाना मन से काफी इच्छा भी रखते हैं और उसको प्रोत्साहन देते हैं। और उनका अपना एक विजन, उनके इस विजन को साकार करने के लिए भारत अपना अनुभव और अपनी सुविधाएं साझा करने के लिए पूरी तरह तैयार रहेगा। इसी तरह भूटान में एक आईसीटी एनेबल्ड नॉलेज बेस्ड सोसाइटी, इसका निर्माण करने के उद्देश्य का भी हम पूरी तरह से समर्थन करते हैं। मैं भूटान के लिए 3rd इंटरनेशनल इंटरनेट गेटवे उपलब्ध कराने हेतु बीएसएनएल के साथ एग्रीमेंट का हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा और आपका इस बारे में क्या विचार है, ये हमें नीचे दिए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें, जिससे हमें और वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा।